हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह, अब हमें किसी भी चीज का मोह नहीं रहा, हमें अपने जीवन तक से कोई चाव नहीं रहा। अब इस खाली जीवन में रह ही क्या गया है, हमारे जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया है। ऐसा मत कहो पुत्र। अब हम किसके लिए जिए? ईश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुख से निर्लिप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मोह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को शांति का दिव्य साक्षात्कार होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं ताश्री। दुखी आत्माओं, टूटे हुए दिलों और बेसहारा प्राणियों का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है, भगवान ही होता है। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना, अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां। पुत्र, रोना नहीं, अपने अपने कर्मों के भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल, इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि हम स्वयं अपने शत्रु हैं और हम स्वयं अपने मित्र भी। हम अपने पाप पुण्य के स्वयं साक्षी हैं पुत्र। मुझे जो ये शरशय्या प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों का ही फल है। हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो यह है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई इस सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। पितामह, अब हमें किसी भी चीज का मोह नहीं रहा, हमें अपने जीवन तक से कोई चाव नहीं रहा। अब इस खाली जीवन में रह ही क्या गया है, हमारे जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया है। ऐसा मत कहो पुत्र। अब हम किसके लिए जिए, किसके लिए? पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है, तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य
युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। तुम भी ईश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताओ। ईश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुख से निर्लिप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मोह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को शांति का दिव्य साक्षात्कार होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं तात्श्री। दुखी आत्माओं, टूटे हुए दिलों और बेसहारा प्राणियों का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है, भगवान ही होता है। प्रणाम तात्श्री। खेवनहार, गुरुकुल की इस डूबती हुई नैया को आप ही को बचाना है, पार लगाना है। अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया, पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन। हाँ बुआ। क्या कोई नाम रह गया क्या? मैं जानता हूं, श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। बताइए महारानी, शायद किसी का नाम रह गया है, और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं। Thank you.
माता श्री। कौन? माता श्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहां क्या कर रहे हो? माता श्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं। जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं। हां माताश्री, हां, जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी की लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां, मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना, अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूं कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था? कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है, मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। अब तो मुझे अपना लो मां। नहीं, अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां। मधुसूदन, मधुसूदन। बुआ, क्या बात है, इतनी व्याकुल क्यों है आप? उसकी आत्मा बेचैन है, वो तड़प रहा है, मेरा कर्ण तड़प रहा है। मैंने उसे नदी के पास देखा था, वो मुझसे तिलांजलि देने की याचना कर रहा था। बुआ, आपने जो देखा है वो आपके हृदय की व्यथा थी, क्योंकि आप अपने आप को कर्ण का दोषी मानती हैं, इसलिए आपकी अंतरात्मा आपको चैन नहीं लेने दे रही है। बुआ, मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप अपने मन पर ये बोझ लिए फिर रही हैं, इसलिए आप इतनी बेचैन हैं। क्या करूं, मां हूं ना आखिर, मां तुम ही बताओ मधुसूदन, मैं कैसे अभागे कर्ण को अपना पुत्र कहूं, कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं, कैसे उसे तिलांजलि दिलवाऊं? बुआ, कर्ण की महान आत्मा को मुक्ति के लिए तिलांजलि की आवश्यकता नहीं है। हां बुआ, ऐसी महान आत्माएं शरीर त्याग करते ही मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं।
तो फिर तुम शिविर में मुझे बार बार कर्ण को तिलांजलि दिलाने के लिए संकेत क्यों दे रहे थे? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस महायुद्ध में कर्ण ने अपने भाइयों के लिए जो अपने प्राणों का महाबलिदान दिया है उसे सारा संसार जान जाए, विशेषकर उसके भाइयों को मालूम हो जो अब भी कर्ण को अपना शत्रु समझते हैं, जो उसका तिरस्कार करते हैं। पांडवों का भ्राता उनके घृणा का नहीं, उनके प्रेम और आदर का अधिकारी है। काश मैं उस अभागे को उसका ये अधिकार दिला सकती। काश मैं लोकलाज का पर्दा हटाकर सबके सामने कह सकती कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बुआ, अब इस सत्य को छुपाना कर्ण के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इस सत्य से पर्दा हटाना ही होगा और सारे संसार को कर्ण का यह सत्य बताने के लिए कल तिलांजलि देने के समय से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता। हां बुआ, और कोई समय हो ही नहीं सकता।